तो आइए आपको एक्सरसाइज नंबर 10 बताया जा रहा है। इसमें देखिए 10 वाक्य दिए गए, 10 का इनडायरेक्ट हम देखते हैं। पहला है बिमला सेड टू महेश, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड महेश, दैट लगा देंगे। फिर माई का हम बिमला के अनुसार बदलेंगे, तो सॉरी बिमला नहीं है, बिमल है सॉरी, तो हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज। ठीक, माई को फर्स्ट पर्सन का अनुसार बदलेंगे तो हिज हो जाएगा, ठीक है ना। बिमल आदमी है तो उसके लिए पजिस्सु केस हिज होता है। हाँ। तो बिमल टोल्ड महेश दैट हिज फादर, या दैट हिज फादर। वेंट का पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड गान हो जाएगा, ठीक है। वेंट सेकंड फॉर्म रहता है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक। हैड गान टू अम्बाला स्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे हो जाएगा। अगला वाक्य है दूसरा, द टीचर सेड राजू आई हैव वांट नॉट यू नॉट प्ले हियर। अब यहाँ टीचर कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं राजू, ये वोकैटिव केस का नाउन है तो उसमें दे दिया गया है भले, तो रूल आपको स्पेशल रूल्स पढ़ाया गया था और तो उसमें यही बताया गया था। तो आपको सेड को क्या कर देना है, टोल्ड कर देना है, क्योंकि राजू को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ही वो ऑब्जेक्ट था, वहाँ दे दिया गया तो उसको इसमें मिला लेंगे, तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड राजू, ठीक है, टोल्ड राजू। उसके बाद दैट लगा देंगे। फिर आई हैव का, आई को टीचर के अनुसार ही हैव का क्या हो जाएगा, हैड। वार्नड यू का जो है हम राजू के अनुसार फिर बदलेंगे तो हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना इसलिए। नॉट टू प्ले हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। चलिए उसके बाद तीसरा वाक्य देखते हैं, माई सन सेड द ओल्ड मैन आई एम गिविंग यू ए लेसन ऑन यूनिटी। तो आपको पहले क्या कर देना है, द ओल्ड मैन कर देना, क्या कर देना है, द ओल्ड मैन। उसके बाद सेड का हम टोल्ड कर देंगे, अब माई का हिज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इन्वर्टर काम हम है इसलिए प्रोनाउन भी बदलेंगे, तो द टीचर, हाँ सॉरी, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स हो जाएगा, माई सन्स का क्या हो जाएगा, हिज सन्स, ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। उसके बाद दैट हम लगा देंगे। फिर आई एम का, आई का ओल्ड मैन के अनुसार ही एम का वाज गिविंग। फिर यू का जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते, तो माई सन्स को ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो सन में यस जुड़ा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा पुत्र हैं इसलिए देम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, यू की जगह देम हो जाएगा। ए लेसन ऑन यूनिटी, यूनिटी माने होता है एकता, क्लियर, एकता पर एक पाठ उनको पढ़ा देना चाहता था। अगला है नाटी गर्ल सेड द ओल्ड लेडी, ठीक है, नाटी गर्ल सेड द ओल्ड लेडी। तो बूढ़ी महिला ने कहा, शरारती लड़की, यू आर अगेन टीजिंग मी, तुम दोबारा मुझे चिढ़ा रही हो। टीज माने होता है चिढ़ाना, छेड़ना, ठीक है ना, बूढ़ों को बहुत बच्चे चिढ़ाते हैं, जबकि ये बात गलत है। अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, दो तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक ना। एक तरीका ये है, आप सिंपली कह सकते हो द ओल्ड लेडी टोल्ड द नाटी गर्ल, बूढ़ी महिला ने शरारती लड़की को बताया दैट सी वाज अगेन टीजिंग हर, कि वह दोबारा उसे क्या कर रही थी, चिढ़ा रही थी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एड्रेसिंग से भी बना सकते हो। देखिए एड्रेसिंग कैसे बनाओगे, ए डबल डी आर ई डबल एस आई एन जी, एड्रेसिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको मान लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्ट चाहे हर मान लीजिए, चाहे गर्ल ही मान लीजिए, ठीक है ना, तो हर ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेसिंग हर एज ए नाटी गर्ल, ठीक है ना, ए हम लगा देते हैं क्योंकि गर्ल एक बचन है इसलिए। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो कुछ विशेष परिवर्तन में आपको दूसरा उदाहरण भी इसी के आधार पर सॉल्व किया गया, ठीक ना, तो ए लगा देते हैं, उसमें भी लगाया था आपको बताया गया था। एड्रेसिंग हर एज ए नाटी गर्ल, हम दूसरे साहब कह सकते उसे एक शरारती लड़की के रूप में संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग माने संबोधित करते हुए, एज माने के रूप में। फिर कामा करके आप कह दोगे द ओल्ड लेडी सेड, द ओल्ड लेडी, चाहे सेड कर दो तब दैट लगेगा, नहीं तो आप टोल्ड भी कर सकते हैं, टोल्ड हर, टोल्ड कर दो फिर हर कर दो, समझ गए कि नहीं, ठीक है, टोल्ड हर दैट,
ठीक है, एक बार फिर हर लिखना पड़ेगा, टोल्ड करोगे तो नहीं सेड करोगे तो केवल दैट से काम चलेगा, दोनों सही है, टोल्ड हर दैट। फिर हाँ, यू आर का हो जाएगा, यू का सी हो जाएगा, आर का वाज, सी वाज अगेन टीजिंग मी का हर हो जाएगा यच यार। बात समझ में आ गया ना, इसका अर्थ होगा उसे एक शरारती लड़की के रूप में संबोधित करते हुए बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि वह उसे दोबारा चिढ़ा रही थी या तंग कर रही थी। तो इस तरह से एड्रेसिंग से बनाओगे तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, हर मान लो, या गर्ल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर ग्रैंड डॉटर भी कर सकते हो एड्रेसिंग, हर ग्रैंड डॉटर अपनी अपनी पोत्री पौत्री को नाटी गर्ल के रूप में संबोधित करते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, क्लियर भाई। ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला तो ग्रैंड डॉटर मान लो, पौत्री मान लो, अगर मदर होती तो सीधी सी बात आप हर डॉटर मान लेते, ठीक। इस तरह से आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं तो आप टोल्ड के से भी बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्लियर, सही सब है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, ही सेड टू हिज सिस्टर, तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाए, टोल्ड हिज सिस्टर दैट लगा दो। फिर यू को जो है आप सिस्टर के अनुसार बदलोगे तो सी हो जाएगा, नीडेंट को नीडेंट ही रहने देते हैं, सिट हियर का क्या हो जाएगा देयर। छठवां कह रहा है वाक्य, ही सेड वेल फ्रेंड्स आई शैल गिव यू सम कोल्ड ड्रिंक, अच्छा दोस्तों मैं तुम्हें कुछ कोल्ड ड्रिंक दूंगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ क्या आपको एक रूल बताया गया था, बेल और यूसी अगर शब्द आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में तो उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो जो है निरर्थक होते हैं, उनका हम प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं। आपको विशेष परिवर्तन जो पीछे पढ़ाया गया था उसमें रूल नंबर 4 में ये बात बताई गई, क्लियर, आपकी ही बुक में, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। देखिए तो उसमें आपको करना क्या है, उसने कहा अच्छा दोस्तों मैं तुम्हें कुछ कोल्ड ड्रिंक दूंगा, तो अब तुम दूसरे से कहोगे थोड़े ना कहोगे कि उसने अच्छा दोस्तों कहा मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दूंगा, ऐसे नहीं कहोगे, ऐसे कहोगे वह दोस्तों को, अपने दोस्तों को कहा कि वह उन्हें क्या करेगा, कोल्ड ड्रिंक देगा। तो ही सेड का टोल्ड कर दो, ही टोल्ड फ्रेंड्स, अगर वह कह रहा तो अपने ही दोस्तों को कहेगा, इसलिए हीज फ्रेंड्स, आप अपने हीज अपने मन से लगा सकते हो, ही टोल्ड हीज फ्रेंड्स, या ही टोल्ड द फ्रेंड्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हिज भी लगा सकते हो। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को कहा दैट, फिर आई को ही के अनुसार बदलोगे, ही हो जाएगा, एक साथ सेल लगता नहीं बिल लगता, इसलिए उसका पास्ट टेंस वुड हो जाएगा। गिव यू का जो है कई दोस्त हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है देम हो जाएगा, ही वुड गिव देम सम कोल्ड ड्रिंक। बात समझ में आ गया, इस तरह से आपको करना है। बिल हट गया, बिल इनडायरेक्ट में नहीं हम कहते हैं, क्योंकि दूसरे से हम कहेंगे ना, यही कहेंगे वह अपने दोस्तों की को बताया कि वह उन्हें कुछ कोल्ड ड्रिंक देगा, ये नहीं कहोगे वह अपने अच्छे दोस्तों को बताया कि वह उन्हें कोल्ड ड्रिंक देगा, अच्छा दोस्तों वो कहा ना अपने, कहे वह अपने अच्छा दोस्तों को, अच्छा दोस्तों नहीं कहे, अपने दोस्तों को बताया कि वह उन्हें कोल्ड ड्रिंक देगा। भाई अब दोस्त कोल्ड ड्रिंक दे रहा तो भाई अच्छे दोस्त तभी तो दे रहा है, खराब दोस्तों को कोई थोड़ी ना कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। अगला, द टीचर सेड यू सी, अब देखिए यहाँ यू सी आ गया ना, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यू सी को हम हटा देते हैं, तो द टीचर सेड दैट डायरेक्ट कर दीजिए, दैट फिर आई का टीचर के अनुसार ही कैन का कुड हो जाएगा। द टीचर सेड दैट ही कुड नॉट टीच इन सच अ डिस्टर्बेंस, हम मतलब देखिए अध्यापक कह रहे हैं तुम देखो मैं ऐसे डिस्टर्बेंस में पढ़ा नहीं सकता हूँ, तो हम दूसरे से यही कहेंगे अध्यापक ने कहा कि वह ऐसे डिस्टर्बेंस में पढ़ा नहीं सकते हैं, बस ऐसे कहोगे। अगला है, द क्लर्क सेड टू द मैनेजर, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस काइंडनेस, श्रीमान जी आपकी दयालुता के लिए आपको धन्यवाद। तो इसमें ध्यान देना, आपको जो स्पेशल रूल्स आपको पढ़ाया गया था उसमें लास्ट रूल्स था उसी के आधार पर ये है, उसमें ये बताया गया था थैंक यू आ जाता है तो सेड को थैंक्ड में बदल देते हैं, तो पहला काम आप सेड टू को थैंक्ड कर दीजिए, द क्लर्क थैंक्ड द मैनेजर, भाई क्लर्क ने मैनेजर को धन्यवाद दिया। अब एक बात ये अभी आपको बताया गया था कि अगर सर आ जाता है तो हम रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए वो रेस्पेक्टफुल्ली कहाँ लगाया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, या फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट पहले भी लगा सकते हो, तो आप आराम से कर दो, द क्लर्क थैंक द मैनेजर, मैनेजर के बाद आप लगा दीजिए रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्ट फुल्ली,
क्योंकि हम दूसरे से ये कहेंगे मैंने क्लर्क ने मैनेजर को सम्मान पूर्वक धन्यवाद दिया, तो सर कह रहे हैं तो सम्मान कर रहे हैं ना, इसलिए सम्मान पूर्वक कहेंगे रिस्पेक्टफुल लगा देते हैं। थैंक द टीचर, थैंक द सॉरी द क्लर्क थैंक द मैनेजर रिस्पेक्टफुल्ली। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब एक बात आपको यह भी बताया गया था पीछे रूल्स में, अगर फार से आ गया है फार योर काइंडनेस है तो हम भी फार से जोड़ देंगे, दैट का झंझट नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या, फार कर दीजिए, योर का जो है अब भाई मैनेजर के अनुसार हिज हो जाएगा, काइंडनेस फार हिज काइंडनेस उनकी दयालुता के लिए। हम पूरे वाक्य का हिंदी बता दे रहे हैं, हम यही कहेंगे द क्लर्क थैंक द मैनेजर रिस्पेक्टफुल्ली फॉर हिज काइंडनेस, माने क्लर्क ने मैनेजर यानी प्रबंधक को सम्मान पूर्वक उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। बस इसमें कहीं क्यों नहीं आ रहा है, दैट वोट नहीं लगेगी, इसलिए फार से कनेक्ट हो गया, जोड़ दिया जाना। अगला देखते हैं, महेंद्र सेड, महेंद्र ने कहा सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, सॉरी माने होता मुझे खेद है, फॉर व्हाट फॉर माने उस चीज़ के लिए, व्हाट आई हैव सेड जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ मैं कहा उसके लिए मुझे क्या है खेद है। एक बात यह भी जान लीजिए, इसमें बताया गया था कि सॉरी अगर आएगा तो उसमें कोई सॉरी आदमी फील ही करता, दुख महसूस करता, खेद महसूस करता ना, तो यहाँ सेड को हम फील में कर देते हैं तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस है, तो सॉरी आ जाता है और आई फील भी आ जाता है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाया गया था जब उसमें एग्जाम्पल आया था आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, ये वाक्य आया था, तो आई हट गए, अगर आई फील आता सॉरी तब भी फेल्ट किया जाता और सॉरी, ठीक है, आई फील को हटा देते सॉरी लिख देते आई, और नहीं आया तब भी सॉरी मतलब आई फील सॉरी, वो समझ लीजिए शॉर्ट में कहा गया है, सेंस वही है, ठीक है ना। तो हो जाएगा महेंद्र फेल्ट सॉरी, सॉरी जोड़ दीजिए, महेंद्र ने सॉरी यानी खेद महसूस किया किस चीज़ के लिए, फार मन के लिए, फार व्हाट आई का हो जाएगा महेंद्र के अनुसार आई का ही हो जाएगा, डिड का हैड डन हो जाएगा क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म है, डू का पास्ट इंडेफिनिट में है, डू का सेकंड फॉर्म डिड ना, तो थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में लिखोगे तो हैड भी आ जाएगा, तो हो जाएगा महेंद्रा फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन, महेंद्रा ने उस चीज़ के लिए खेद महसूस किया जो कुछ उसने किया था, यहाँ व्हाट का अर्थ होता जो कुछ, क्लियर समझ में आ गया, इसका ये इसका इनडायरेक्ट होगा। सेड को फेल्ट करना है, सॉरी उसके बाद लगा देना, फिर फार से जोड़ देना है, काम वामा हटा देना है, कुछ कर काम की जरूरत नहीं होगी इनडायरेक्ट में, क्लियर, क्योंकि आप जोड़ के बताते चले जा रहा हूँ, फेल्ट कर देने से ना सॉरी का पार्ट हो गया फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। फेल्ट मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया सॉरी किस चीज़ के लिए, फॉरवर्ड ही हैड सेड सॉरी ही हैड डन उस चीज़ के लिए जो कुछ उसने किया था डिड मिस किया, सेड नहीं एक डिड है, क्लियर हैड डन, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट वाक्य भी देख लेते हैं, ही सेड उसने कहा आई होप यू विल पास दिस ईयर, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस साल पास हो जाओगे। एक बात यह भी इसमें ध्यान देना, स्पेशल रूल्स आपको पिछले क्लास में जब पढ़ाया गया था तो उसमें यह भी बताया गया था आई होप आ जाएगा तो हम सेड को होप्ड में बदल देते हैं, आई फील तो फेल्ट, थैंक यू तो थैंक्ड, आई होप तो होप्ड, तो आई को हटा भी देंगे हम, जैसे थैंक के साथ यू हटा देते थे उसी तरह से। चलिए देखते क्या हो जाएगा, ही सेड की जगह आप क्या कर दीजिए होप्ड, लास्ट एग्जाम्पल आपका स्पेशल रूल्स का यही है, ही होप्ड उसके बाद, ठीक है, अब दैट दैट लगा दीजिए, ही होप्ड दैट वह आशा किया था कि, अब देखिए यू का जो है यू को बदलना ही पड़ेगा तो यू को आप ही होप्ड दैट के बाद ही कर दीजिए, थर्ड पर्सन में बदल दीजिए, ही कर दीजिए, अपने हिसाब से आई भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक, चाहे जो कर सकते हो। ही होप्ड दैट ही बिल का क्या हो जाएगा वुड पास, दिस का क्या हो जाएगा दैट, ठीक है ना, इतना कर दीजिए ईयर दैट ईयर, तो यहाँ आपको क्या किया होप्ड के बाद दैट लगा दिया गया तो यू को ही कर दिया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया। अगर आपको आपकी मर्जी हो तो आप सेड होप्ड के जगह तुरंत ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ही होप्ड हिम दैट ही वुड पास दिस ईयर का दैट ईयर कर दोगे तब भी सही है, गलत नहीं है, क्लियर। वह उससे आशा किया था कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा, ऐसे भी कहते हो, या वह आशा किया था कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा, अक्सर हम ऐसे ही कहते हैं, इसलिए होप के बाद हिम लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी एक्सरसाइज, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स एग्जांपल्स बताए जाएंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज बताया जाएगा। पूरा ओवरऑल आपको पूरा कंप्लीट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज सहित, ठीक। उसके बाद ही अगला टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।